अ वेरी गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स टूडे वील स्टार्ट अवर पोएम एंड द नेम ऑफ द पॉइम इज द रिबेल रिटर्न बाय डी जे एन राइट बहुत ही सुंदर पॉइम है इसमें जो ये रिबेल है ये एक न्यू टर्म है पहले मैं आपको बताती हूँ रिबेल कौन होता है अ पर्सन हु शूज दिस एग्रीमेंट विद द आइडिया ऑफ पीपल इन अथॉरिटी और सोसाइटी बाई बिहेविंग डिफरेंटली मतलब एक ऐसा इंसान जो हमेशा अपने ओपिनियंस, अपने पर्सपेक्टिव्स जो हैं वो डिफरेंट uh, वे में प्रेजेंट करते हैं मतलब हमेशा चीज़ों को अपोजिट वे uh, में शो करते हैं और बिहेव भी थोड़ा डिफरेंटली करते हैं एक स्ट्रेंज वे में ये बिहेव करते हैं अब मैं इसको पढ़ती हूँ जस्ट नीड टू लेसन वन एवरी हैज शॉर्ट हेयर द रिबल लेट हिज हेयर ग्रो लॉन्ग जब हर एक छोटे बाल रखने रखना चाहता है तो ये रिबल जो है उस टाइम अपने हेयर जो है वो लंबे ग्रो करता है वेन एवरीबडी हैज लॉन्ग हेयर द रिबेल काट्स हिज हेयर शॉर्ट जब हर कोई लंबे बाल रखना चाहता है तब उस टाइम रिबल जो है अपने बाल छोटे करता है यानी यहीं पे आपको रिबल का पता चल गया होगा कि एक ऐसा इंसान जो औरों से बिल्कुल ऑपोजिट करता है

काफ़ी ज़्यादा डिस्टरबेंस उस टाइम क्रिएट करता है और बाकी लोग बिल्कुल साइलेंट बिल्कुल खामोश बैठे होते हैं व्हेन एवरीबडी वो अ यूनिफॉर्म द रिबल ड्रेस इन फैंटास्टिक क्लॉथ जब हर कोई यूनिफॉर्म में स्कूल आता है तो रिबेल जो है बिल्कुल एक फैंटास्टिक uh, क्लॉथ्स में स्कूल आता है यानी वो कैजुअल वेयर करता है जबकि बाकी लोगों ने या बाकी बच्चों ने उस टाइम यूनिफॉर्म वेयर किया होता है वन एवरीबडी वेयर्स फैंटास्टिक क्लॉथ द रिबल ड्रेसिस सॉबर् लेकिन जब अगले ही दिन हर एक बच्चे ने फैंटास्टिक यानी कैजुअल uh, वेयर किया होता है तो इस रिबेल ने उस टाइम बिल्कुल सोबर ड्रेस यानी यूनिफॉर्म में वो आया होता है या बिल्कुल सोबरली वो ड्रेस करके आया होता है इन द कंपनी ऑफ ड्रेस इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स द रिबेल एक्सप्रेस ए प्रेजेंस फॉर कैट जब जब, जब डॉग की कंपनी में जब और लोग और लोग डॉग को पसंद करते हैं तब रिबेल जो है वो अपनी प्रायोरिटीज कैट के लिए शो करता है इन कंपनी ऑफ कैट लवर्स द रिबल पुट्स इन गुड वर्ड्स फॉर डॉग्स और अगले ही पल जब और लोग कैट के लिए अपना लव प्रेजेंट करते हैं तो रिबेल जो है अपने वर्ड्स अच्छे वर्ड्स गुड वर्ड्स डॉग्स के लिए प्रेजेंट करता है वेन एवरीबडी इज ग्रीटिंग द रेन द रिबल रिग्रेट्स द एबसेंस ऑफ सन जब हर कोई जब हर कोई बारिश को ग्रीट कर रहा होता है यानी बारिश के मज़े ले रहा होता है तब ये रिबेल जो है अपना दुख प्रकट करता है किसके लिए सन के लिए क्योंकि जब बारिश होती है तब सूरज नहीं आता है और वो उस टाइम चाहता है कि सूरज क्यों नहीं है वेन एवरीबडी गोज़ टू द मीटिंग द रिबेल स्टेज एट होम एंड रीड्स ए बुक जब हर कोई मीटिंग के लिए जाता है तब रिबेल घर पे बैठता और किताब पढ़ रहा होता है व्हेन एवरीबडी स्टेज एट होम एंड रीड्स ए बुक द रिबेल गोज टू द मीटिंग और जब हर कोई घर पे बैठता है और किताब पढ़ रहा होता है तो रिबेल उस वक़्त मीटिंग में जाने की तैयारी कर रहा होता है व्हेन एवरीबडी सेज यस प्लीज द रिबेल सेज नो थैंक यू जब किसी जगह या किसी प्लेस पे जब हर हर इंसान जो है यस के लिए अपने रिस्पॉन्स देता है तो रिबेल जो है नो थैंक यू कहकर चीज़ों को टाल देता है वेन एवरीबडी सेज नो थैंक यू द रिबेल सेज इज़ यस प्लीज और अगले ही पल जब हर कोई अपना रेस्पॉन्स नो के लिए देता है तो ये रिबेल जो है येस yes, प्लीज के लिए अपना फेवर करता है इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रिबेल्स यू मे नोट नोट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन ये अच्छा है कि हमारे बीच हमारी सोसाइटी में हमारे बीच रिबेल है क्योंकि इस रिबेल के होने से क्या होता है कि जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इग्नोर चीज़ें हैं या इग्नोर पीपल है उनके लिए भी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती हैं क्योंकि जो uh, रिबेल होते हैं उनका भी अपना जजमेंट होता है चीज़ों के लिए उनका भी अपना परस्पेक्टिव होता है और हमें उन चीज का सुनना पड़ता है लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमेशा रिबेल होना भी अच्छा नहीं है क्योंकि इससे क्या होता है इनडिसिप्लिन क्रिएट होता है सोसाइटी में क्योंकि कब ये हमेशा क्या करते हैं बिहेव डिफरेंटली करते हैं है ना तो उस वजह से इनडिसिप्लिन जो है वो बढ़ता है दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर अ ग्रेट डे